ग्रामीण विभाग से घरकुल योजना में शिकायतें विधायक चंद्रशेखर बावनकुले के पास आ रही थी। इन्हीं शिकायतों को लेकर सोमवार को विधायक चंद्रशेखर बावनकुले और विधायक टेकचंद सावरकर ने नागपुर महानगर पालिका प्रदेश विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बावनकुले ने कहा कि घरकुल योजना के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके लिए घर 2022 योजना निकाली है। गरीब आदमी के लिए 2.5 लाख रुपए हर आदमी को मिलता है। गरीब आदमी का उसका चयन हो चुका है, 20,000 के ऊपर घर का चयन हो चुका है। लेकिन आज का NMRDA का स्पीड केवल 5,000 घरों का है। अभी तक 15,000 घर का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। 20,000 लोग यहाँ पे ऐसे जिनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ, उनको 1 लाख रुपये पहला हफ्ता नहीं मिला, वो एक बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है। 2022 के दिसंबर तक मोदी जी ने कहा कि सबके घर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा है, वो योजना ही ऐसी है। उसके बाद कुछ इंजीनियर जो रिटायर्ड इंजीनियर NMRDA ने अपॉइंट किए थे, उन्होंने हर घर वालों से 5,000 रुपये लिए हैं। तीसरा जो NMRDA के छोटे छोटे नक्शे के चेंजेस से कोई खिड़की बदल गई, कोई दरवाज़ा बदल गया, उसके लिए जो रिजेक्ट करते वो कोई योग्य नहीं है। चौथा, किसी लाभार्थी ने अगर 30 स्क्वायर मीटर घर सैंक्शन है, केंद्र सरकार से 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, अगर किसी ने 10 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बढ़ाया अपने बच्चे की अपनी परिस्थिति देखते हुए, कोई लोन लेकर, कहीं से पैसे उधार लेकर थोड़ा सा भी घर बढ़ाया, तो उसके लिए भी टेक्निकल अड़चन आ रही, उनको पैसा नहीं मिल रहा है।